The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, satsrikal, I am Dr. Paramjit. You are Doctor Education, friends. कोरोना वायरस के चलते बहुत से प्रश्न आप लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं बहुत सारे विडंबनाएं आती हैं मान लीजिए कोरोना वायरस अगर आपके मोहल्ले में आ गया आपके आपकी गली में आ गया आपके आपके एरिया में आ गया तो आप क्या करोगे पहले एक समय था जब कोरोना वायरस मुंबई में बहुत ज़्यादा फैला तो हमें फ़ोन आते थे कि सर मुंबई छोड़ दें क्या कि कोरोना वायरस वहाँ आ गया अब तो कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है अब इतना स्प्रेड हो गया है कोरोना वायरस कम्युनिटी में कि कोई एरिया भी सेफ है नहीं कोई जगह सेफ है नहीं कि कहीं भी चले जाओ कोई भरोसा नहीं आपके पास कहाँ से कोरोना वायरस आ जाए कम्युनिटीज कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ही यही होता है स्टेज थ्री में कि किसी को भी हो सकता है कभी भी हो सकता है कहीं से भी हो सकता है सिर्फ वो लोग जो हंड्रेड घर में है अपने बाहर निकले ही नहीं बिल्कुल भी नहीं निकले उनका कोई बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट ही नहीं है और घर में आने वाली हर चीज़ को वो सैनिटाइज करके यूज करते हैं उनके चांस ज़्यादा है कि उनको कोरोना नहीं होगा वरना इंडिया इज बेसिकली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी सिंपल इंडिया में हो रही है हर्ड इम्यूनिटी ही होगी जिस प्रकार की हालत दिखाई दे रही है ये मेरा खुद का ओपिनियन है और ऐसा ही दिखाई दे रहा है हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होगा कि ज़्यादातर लोगों को हिंदुस्तान में कोरोना का संक्रमण होगा ज़्यादातर लोगों को इंडिया के अंदर कोरोना वायरस उनके अंदर जाएगा ये होगा अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है घबराने वाली बात नहीं है और इसमें क्यों घबराने वाली बात नहीं है आप अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वायरस आपके अंदर जाता भी है तो भी चालीस पचास या साठ साल की उम्र के नीचे वाले लोगों के अराउंड नाइन्टी परसेंट चांस हैं उनको कुछ नहीं होगा माइनर बीमारी या कुछ होना ही नहीं है अस्सी परसेंट लोग तो एसिम्टोमेटिक होंगे ये एक ऐसा वैल्यू है जो वेरी होता रहता कभी सत्तर हो जाएगा कि एसिम्टोमेटिक है कभी अस्सी हो जाएगा कभी नब्बे हो जाएगा कुछ कुछ एज ग्रुप में नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट बच्चों के एज ग्रुप में नाइन्टी फाइव परसेंट कोई दिक्कत नहीं आती माइल्ड डिजीज आती है जो रिसर्च में देखा गया है अब तक के जितने पेशेंट हैं उनके रिसर्च में बड़ों के केसेज में ऐसा ही और बहुत ज्यादा उम्र है किसी की साठ सत्तर अस्सी की साल की उम्र में तब उनको दस परसेंट का खतरा होता है या उसका जो उनका जो डेथ रेट है जो बीमारी सीरियस होने का रेट है वो उस तरह से किसी की अगर ऑलरेडी बीमारी और दूसरी बीमारियां उनको खतरा ज़्यादा है तो उनको बचाने की जिम्मेदारी उनके घर वालों की उनके साथ रहने वालों की है कि भई उनको पास कोरोना ना पहुंचे और पहुंचे भी तो मिनिमम पहुंचे जी हाँ लोड वायरल लोड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप लोगों को समझना होगा तो अगर आपके घर के आसपास कोरोना आ भी जाए तो क्या आप घर से बाहर निकलने छोड़ दोगे बिल्कुल नहीं भाई काम धंधे तो करने पड़ेंगे काम धंधे नहीं करोगे चार महीने हो गए हैं दिक्कतें बढ़ रही हैं घर में पैसे नहीं आ रहे हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर हो घर में सब कुछ है तब तो चलो ठीक है आप फिर भी बोलोगे कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा उसमें कोई मनाही नहीं है ये आपका विल है लेकिन अगर आपका काम है आपको निकलना पड़ रहा है आपकी जॉब है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेने हैं प्रिकॉशन नंबर वन की ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल कोरोना आपके अंदर जाएगा और जिससे मिल रहे हैं उसको कोरोना है ये मैंने पहले भी बताया था ये मान के चलो कि हर पर्सन जिससे आप मिलोगे उसको कोरोना है चाहे वो खासे ना खासे उसके ऊपर मुंह पे मास्क होना चाहिए आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए अगर आप अपने कमरे में अपने घर के अंदर अकेले हैं और आपको कोई सिम्टम कोई लक्षण नहीं है तो आपको मास्क की आवश्यकता नहीं है अगेन आज मैंने अपने बच्चों वाला एक वीडियो डाला है उसमें भी मैंने बताया है कि दो साल से छोटे बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है उससे उनके सफोकेट हो जाने के रिस्क बढ़ जाते हैं ये एक अपने आप में अलग बात हो गई बच्चों वाला वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे जाके अगर बच्चों की बीमारी के बारे में कोविड नाइन्टीन की बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं बहरहाल अगर आपके कली में कोरोना आ गया तो डरने वाली बात नहीं है आपके दो ऑप्शन दो उद्देश्य होने चाहिए नंबर एक वायरस जाएगा जाने को कोई बात नहीं नंबर दो आपको यह ध्यान में रखना है कि वायरस जो है कम नंबर में जाए उसका जो वायरल लोड अगर आपके शरीर में कम जाएगा तो आपका शरीर उसको बहुत अच्छे से फाइट कर पाएगा चाहे वो आप हो चाहे आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है कोई बूढ़ा है कोई ऐसा पेशेंट है जो ऑलरेडी बीमार है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को कैंसर है किसी को आस्थमा है किसी को कोई भी बीमारी हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि या अव्वल तो वायरस जाए ही ना प्रिकॉशंस लें प्रिकॉशंस हजारों बार समझाए गए हैं आपको और नंबर दो अगर वायरस जाए तो मिनिमम जाए उस मिनिमम जाने के लिए ही ये प्रिकॉशंस हैं मास्क है मास्क से आप मास्क से जो रिसर्च हुई है उसमें यह देखने में आया है कि मास्क अगर आपने पहना है तो ये नहीं पक्की बात है कि वो मास्क आपका आपको आपके अंदर वायरस जाएगा ही नहीं ऐसा नहीं है वो सिर्फ वायरस लोड कम करेगा वो सिर्फ़ वायरस लोड कम करेगा पूरा का पूरा सील्ड मास्क हो तब चांस हो सकता है कि आपके अंदर वायरस ना जाए मगर 99% का लोगों का मास्क पूरा का पूरा सील नहीं होता कहीं ना कहीं गैप होता है और एक वायरस उनके ऊपर अगर फुवारा आता है तो वायरस एक दो वायरस या कुछ वायरस अपनी जगह बना ही लेंगे या फिर आपके हाथ पैर में लग के कहीं ना कहीं से आपसे गलती हो जाएगी सो so, वायरस लोड अगर आपके अंदर कम जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है बशर्ता कि आपकी खुद की मेंटल फिजिकल स्टेट अच्छी हो तो ये इसी के लिए आपको चार महीने से दो चार महीने से हम बार बार बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फिजिक अच्छी रखनी हेल्थ अच्छी रखनी डाइट अच्छी रखनी नींद अच्छी रखनी पानी खूब पीना अगर आप वो सब नहीं कर रहे थे तो आपकी गलती है बट खैर जो हो गया सो हो गया अब से करना शुरू करो खैर देखिए अगर वायरस आपके अंदर चला भी जाता है थोड़े बहुत लक्षण होते भी हैं तो लक्षणों से डरना नहीं है हर बार टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेस्ट कराने से ट्रीटमेंट नहीं बदल जाएगा अगर आपको लक्षण बढ़ रहे हैं तो फिर टेस्ट कराइए अगर आपको डाउट है कि भाई मैं को कहीं और जाना है मैं किसी और से मिलने वाला हूं भाई मैं कहीं किसी को दे ना दूं मैं ये सिम्टोमेटिक कैरियर तो नहीं हूं तब फिर टेस्ट कराइए या अगर आपके डॉक्टर की एडवाइस है तो फिर आप टेस्ट कराएं टेस्टिंग से ट्रीटमेंट नहीं बदलता कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अगर कोविड से आपका संक्रमण लग रहा है तो ट्रीटमेंट आपका सेम है रेस्ट है पानी है प्राइमरी माइल्ड केसेस में माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ऑब्वियसली बात है कोई भी बीमारी है वो मॉडरेट पहले माइल्ड ही होगी फिर मॉडरेट होगी फिर सिवियर होगी ये पता कैसे चलेगा इसकी बात हम अगले बार करेंगे कि हाउ टू असेस सिवियरिटी ऑफ अ कोविड पेशेंट लेकिन जो बात आज कर रहे हैं कि घर से नहीं निकलना घर में बंद हो जाना 24 घंटे मास्क पहनना ये पैनिक सिचुएशन करने से आप सिर्फ अपना कोरे लेवल बढ़ाएंगे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा लेने से आपकी धड़कन बढ़ेगी आपके सारे सिस्टम हाइपर ड्राइव में जाएंगे जो टेम्पररीली तो आपको एक प्रोटेक्शन देगा कंटिन्यूसली दो दिन में आपकी इम्यूनिटी वीक कर देगा सो ये गलत है इसको ना टें इसको टेंशन ना लें आपके गली में कोरोना आ जाए आपके बगल वाले को कोरोना है आपके घर के ऊपर वाले को कोरोना है आपके घर के किसी मेंबर को कोरोना है आपको डरने की आवश्यकता नहीं है आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं आपको ये मान के चलना है कि आपको कोरोना हो गया है और आपको ये मान के चलना है कि आपके अंदर दो चार वायरस चले गए हैं आपको खूब सारा पानी पीना है खूब सारा रेस्ट लेना है खूब सारे अपने 20 मिनट के वर वर्कआउट कर सकते हैं अगर शरीर शार, में ताकत है रेस्ट लीजिए पानी लीजिए घर का खाना खाइए खूब सारा नारियल पानी नींबू पानी जो भी लेना है इस तरह के फल फ्रूट खाइए कुछ वाइटामिन आपने ले लेने हैं हज़ारों बार बताए गए हैं आपको राइट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं उनमें से कोई भी चीज़ सौ परसेंट ट्रीट नहीं करती है वो हेल्प करती है हेल्प करती है उसके चांस बढ़ा देगी आपके कि आप ठीक हो जाओ अस्सी से नब्बे परसेंट चांस आपके वैसे भी है वो दो परसेंट भी चार परसेंट भी 5 परसेंट भी चांस बढ़ा दे तो कोई बुराई नहीं है अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से बात करके रहें और ये याद रखिए अगर डॉक्टर्स को अगर ढूंढने जाएंगे तो हो सकता है ओपीडीज़ बंद हो जैसे ओपीडीज़ अभी नहीं खोल पा रहे हैं कई डॉक्टर तो ऑनलाइन अपने डॉक्टर को चुन के रखिए कि भाई ये एक डॉक्टर है इनसे हम कांटेक्ट करेंगे जब भी हमें दिक्कत होगी और ऑनलाइन या इस तरीके का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डॉक्टर आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको ये गाइड कर सके नंबर एक कि आपके सिम्टम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हजारों बार हमने आपको समझाया हुआ है कि सिम्टम्स को असेस कैसे करना है अब हमने फीवर के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है ऐसे ही हम हर एक सिम्टम के ऊपर आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना देंगे कि खांसी हो तो कोविड के लिए क्या करना सांस फूल रहा है तो क्या करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा एसेट्रा तो डरने की कोई बात है नहीं रिलैक्स होइए चिंता मत करिए आपको और कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ प्रकॉशंस लेने हैं आपको सिर्फ अपने आप का बचाव करना है अपने घर वालों का बचाव करना है बच्चों का बचाव करना है और कुछ नहीं करना है हो भी जाता है तो बहुत अच्छा चांस है आप ठीक हो जाएंगे पहली बात और और कुछ नहीं बस ठीक है थैंक यू सो मच और डरना नहीं है स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी